हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको कि हम COD बोलते हैं इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या कहलाता है? तो जो हमारा डर्टी वाटर होता है, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व होते हैं। अब इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वही हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। इसको हमने केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्यों बोला? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो हम एक केमिकल के द्वारा प्रोड्यूस कराते हैं, और वो केमिकल हमारा कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। यूजुअली हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ही लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वेस्ट वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूजुअली एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो अब ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो हमको ऑक्सीजन कैसे देता है? तो देखो जरा, जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, एसिडिफाइड मतलब इसका H2SO4 से रिएक्शन कराना, तो ये बनेगा K2SO4, ये बनेगा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस, ये हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे तीन नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो हमको मिलती हैं। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हमको तीन नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये तय है। इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, तो SO4 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दो, 4H2 कर दोगे तो हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारी बैलेंस हो जाती है। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन हमको मिली है वो वेस्ट वाटर, जो डर्टी वाटर है, उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो हमको जितनी ऑक्सीजन चाहिए ये हमारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी? तो हमको चाहिए होगा वेस्ट वाटर, जिसका हमें केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कैलकुलेट करना है, डिस्टिल वाटर की जरूरत पड़ती है, फेरस अमोनियम सल्फेट की जरूरत पड़ती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जरूरत पड़ेगी, फेरोइन इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, H2SO4 सिल्वर सल्फेट और मरकरी सल्फेट की जरूरत भी पड़ेगी, ब्यूरेट पिपेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कॉनिकल फ्लास्क, इन सब की जरूरत हमको पड़ने वाली है। तो ये मटेरियल है जिनकी हेल्प से हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रोसीजर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। टू प्रिपेयर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 6.13 ग्राम K2Cr2O7 जो है वो 1 लीटर वाटर में जो है वो डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा वाटर है 1 लीटर, और इसमें 6.13 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट है। फिर हमें सिल्वर सल्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 10 ग्राम सिल्वर सल्फेट लेंगे, इसको हम 500 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिसॉल्व कराएंगे, ठीक है। और फिर हम इसको 500 मिलीलीटर वाटर मिक्स कर देंगे, तो टोटल सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो बस हमें 10 ग्राम सिल्वर सल्फेट डालना है, इसमें 500 मिलीलीटर वाटर है एंड 500 मिलीलीटर H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड। अब हमें सॉल्यूशन बनाना है HgSO4 का। तो यहां पे हम मरकरी सल्फेट जो है 0.1 ग्राम
HgSO4 लेंगे, इसको हम 5 मिलीलीटर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिजोल्व करा देंगे। तो यहां पे हमने ये तीन सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं। याद रखना यहां पे ये जो सॉल्यूशन है ये वाटर कैसा होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर में हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर इसके बाद हम FAS सॉल्यूशन बनाते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी हमें नॉर्मेलिटी पता होती है। तो FAS का मतलब होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है, फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4O4। तो ये फेरस सल्फेट हो गया, ये अमोनियम सल्फेट हो गया .6H2। तो ये एक हमारा डबल सॉल्ट है और इसका मोलर वेट जो है वो है 392 ग्राम पर मोल। अब इसका सॉल्यूशन हमें प्रिपेयर करना है, तो हमें फेरस अमोनियम सल्फेट जो है वो 9.8 ग्राम जो है FAS लेना है, इसे 100 मिलीलीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कराना है। याद रखना जब भी आप एक्सपेरिमेंट करो तो हमें टैप वाटर यूज नहीं करना है, डिस्टिल वाटर ही यूज करते हैं हमेशा। फिर इसमें हम 20 ml जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे और फिर पूरे सॉल्यूशन को क्या कर लेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, हम 100 ml जो है वो डिस्टिल वाटर लेंगे, फिर 20 ml कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, 9.8 ग्राम FAS लेना है और फिर इसमें इतना पानी डालना है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाए, 1 लीटर हो जाए। तो ये पूरा सॉल्यूशन हमारा कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो अगर हम इसकी नॉर्मेलिटी निकालने जाए तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो वेट तो 9.8 ग्राम लिया है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट जो है वो होता है मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो जो हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट है यहाँ पे आयरन +2 में है, जब ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से डीट करता है तो फेरस सल्फेट जो है फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे आयरन +3 में होता है। तो वहां पे चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो 1 का है, इस कारण एन फैक्टर भी होगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो 392 मोलर वेट है, एन फैक्टर 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट भी 392 ही आया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट 392 है, वॉल्यूम 1 लीटर ही हमने कर लिया था, तो ये आएगा 0.025। तो FAS का हमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब है जिसकी नॉर्मेलिटी हमें पता हो। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हमें नॉर्मेलिटी पता होती है उस सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब हम सबसे पहले COD कैलकुलेशन का फॉर्मूला देखेंगे ताकि आपको आगे का प्रोसेस जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो हमारा COD कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है V1 - V2 × Normality of FAS solution into 8 into 1000 upon 1 volume of sample in milliliter। तो ये हमारा COD कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो गया, जहां पे V1 है वॉल्यूम ऑफ FAS
यूज्ड इन ब्लैंक टाइट्रेशन और वी टू है हमारा वॉल्यूम ऑफ FAS used in back titration और इसी को हम बोलते हैं back titration को क्या बोलते हैं sample titration। तो sample titration मतलब waste water titration। तो जो हमारा बैक टाइट्रेशन है और जो हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन है उसमें डिफरेंस किसका है, तो बैक टाइट्रेशन में हम वेस्ट वाटर का यूज करते हैं जबकि ब्लैंक टाइट्रेशन में हम डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। तो अगर हम वेस्ट वाटर की जगह डिस्टिल वाटर यूज कर रहे हैं तो वो हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन कहलाता है। तो ब्लैंक टाइट्रेशन की हम 3 रीडिंग निकालेंगे और वेस्ट वाटर टाइट्रेशन की हम 3 रीडिंग निकालेंगे और फिर हम सीओडी को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम टाइट्रेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैंक टाइट्रेशन जो है वो निकालेंगे। और हमको सॉल्यूशन चाहिए होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड, HgSO4, फेरोन इंडिकेटर, डिस्टिल वाटर, वेस्ट वाटर, FAS सॉल्यूशन। तो जो हमारा FAS सॉल्यूशन है उसको हम ब्यूरेट में भर लेंगे। तो ये ब्यूरेट में हमने FAS सॉल्यूशन जो है वो भर लिया। अब ब्लैंक टाइट्रेशन में हमें डिस्टिल वाटर ही यूज करना है, वेस्ट वाटर यूज नहीं करना। वेस्ट वाटर का यूज हम बैक टाइट्रेशन में करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। इस कॉनिकल फ्लास्क में हम पिपेट के थ्रू डिस्टिल वाटर जो है वो 10 ml सक करेंगे। तो 10 ml जो है वो डिस्टिल वाटर हो गया। फिर HgSO4 1 ml, फिर 5 ml जो है हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके बाद 15 ml H2SO4। और इस बीकर को हमें क्या करना है, हमें डाइजेस्टर में रखना है, जो सीओडी डाइजेस्टर होता है, सीओडी डाइजेस्टर होता है वहां पे हमें इस बीकर को रखना है। और ये आपका टेम्परेचर वहां पे 140 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है और 2 hours के लिए हमें वहां पे रख देना है। फिर हम इस बीकर को बाहर निकालेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम 25 ml डिस्टिल वाटर जो है फिर से डालेंगे और फिर हम इसमें 2-3 ड्रॉप जो है वो फेरोन इंडिकेटर की डालेंगे। ठीक है, अब फेरोन इंडिकेटर की हमने 2-3 ड्रॉप डाल दी। तो इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो हमको नजर आने लगता है ग्रीनिश ब्लू। तो सॉल्यूशन हमको कैसा दिखाई देता है, ग्रीनिश ब्लू दिखाई देता है। अब हम यहां पे इस बीकर को ले आएंगे और FAS सॉल्यूशन जो है वो बीकर में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो डालेंगे। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डाल रहे हैं। तो इनिशियल रीडिंग तो इसकी 0 थी और जब कलर ग्रीनिश ब्लू से हो जाए वाइन रेड, तो कलर हमारा चेंज जो है वो ग्रीनिश ब्लू से वाइन रेड हो जाता है, तो हम FAS सॉल्यूशन को गिराना बंद कर देते हैं। तो 25 ml पे ये वाइन रेड हो गया, तो हमारी पहली रीडिंग आ गई। तो ब्यूरेट की रीडिंग अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और FAS सॉल्यूशन यूज्ड।
तो इनिशियल रीडिंग जो है वो जीरो थी, फाइनल रीडिंग 25 है, तो FAS सॉल्यूशन कितना यूज किया गया, 25। ठीक है, फिर हम इसको फेंक देंगे दोबारा से 10 ml डिस्टिल वाटर, 1 ml HCSO4, 5 ml K2Cr27, 15 ml H2SO4 COD डाइजेस्टर में रखेंगे 2 आवर्स के लिए, फिर सॉल्यूशन को बाहर निकालेंगे, ठंडा करेंगे, फिर 25 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप, फिर इंडिकेटर डालेंगे, फिर FAS सॉल्यूशन गिराएंगे। तो इस बार इनिशियल रीडिंग तो 25 है, फाइनल रीडिंग 50.6 आया, तो FAS हमने कितना यूज किया, 25.6 ml हमने यूज किया। फिर हम इस सॉल्यूशन को फेंक देंगे, तीसरी रीडिंग लेंगे, तो 10 ml डिस्टिल वाटर, 1 ml HCSO4, 5 ml K2Cr27, 15 ml H2SO4 लिया, 140 से 150 डिग्री सेल्सियस COD डाइजेस्टर में हमने इसको रखना है 2 घंटे के लिए, बाहर निकालेंगे, ठंडा करेंगे, 25 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, 2 to 3 ड्रॉप फिर इंडिकेटर की डालेंगे, और फिर FAS सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे। तो हमारा ग्रीनिश ब्लू वाइन रेड में होता है कब, तो स्टार्टिंग की रीडिंग जो है वो 50.6 थी, अब हो गई हमारी 76.2, तो ये 25.6 वॉल्यूम हमने फिर से FAS का यूज किया। ठीक है ना, तो 50.6 आया और अब की बार आया 76.2। तो ब्लैंक टाइट्रेशन का वॉल्यूम V2 जो है वो कितना आ गया, तो ये दो रीडिंग जो है वो कैसी है, एक सी है, तो V2 की वैल्यू हमारी 25.6 ml आ गई। अब हम बैक टाइट्रेशन में कितना वॉल्यूम FAS का यूज किया गया वो हम निकालेंगे। हमें V2 निकालना है, ठीक है, तो वही काम करना है। एक हमें कॉनिकल फ्लास्क लेना है, और इस फ्लास्क में हमें क्या करना है, अब वेस्ट वाटर लेना है, तो बैक टाइट्रेशन में वेस्ट वाटर का यूज करना है इन प्लेस ऑफ डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो 10 ml वेस्ट वाटर यूज करेंगे, फिर 1 ml HGSO4, फिर 5 ml K2Cr2O7, फिर 15 ml H2SO4, और इस सॉल्यूशन को हम COD डाइजेस्टर में रखेंगे जहां पे टेम्परेचर 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस होता है, 2 आवर्स के लिए सॉल्यूशन को रखना है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे, सॉल्यूशन को ठंडा करने के बाद इसमें 25 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे, और फेरोइन इंडिकेटर 2 to 3 ड्रॉप फेरोइन इंडिकेटर की डाल देंगे। इसके बाद हम FAS सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो गिराएंगे। इनिशियल रीडिंग 0 ml थी, फाइनल जो है वो 22 ml आई, जहां पे ग्रीनिश ब्लू सॉल्यूशन जो है वो वाइन रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम FAS का, ये फाइनल वॉल्यूम FAS का, और ये यूज्ड वॉल्यूम FAS सॉल्यूशन का। तो इनिशियल वॉल्यूम FAS का 0 है, फाइनल 22 ml है, तो कितना यूज किया, 22 ml हमने यूज किया। फिर हम इसको फेंक देंगे, सेम प्रोसेस दोबारा से अप्लाई करेंगे, 10 ml वेस्ट वाटर लेंगे, 1 ml HGSO4 डालेंगे, 5 ml K2Cr2O7 डाला, इसको COD डाइजेस्टर में हीट करेंगे 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस 2 आवर्स के लिए, फिर सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे, 25 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, 2 to 3 ड्रॉप फिर इंडिकेटर डालेंगे, और FAS सॉल्यूशन डालेंगे। तो इनिशियल रीडिंग तो 22 हुई, फाइनल रीडिंग जो है वो 45.8, तो हमने कितना यूज किया, 23.8 ml जो है वो FAS सॉल्यूशन यूज किया। फिर हम थर्ड
रीडिंग निकालेंगे तो 10 ml हमें वेस्ट वाटर लेना है, 1 ml HgSO4, 5 ml K2CO2, 15 ml H2SO4। हीट करेंगे COD डाइजेस्टर में 2 आवर्स के लिए, ठंडा करेंगे, 25 ml डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, इंडिकेटर के 2-3 ड्रॉप डालेंगे और FA सॉल्यूशन गिराएंगे। जब हमारा ये सॉल्यूशन ग्रीनिश ब्लू से वाइन रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारी स्टार्टिंग रीडिंग 45.8 से फाइनल है 69.6, तो यह आएगा 23.8। तो हमारा FS वॉल्यूम यूज किया गया 23.8, तो हमारे दो एक्सीडेटिंग ये हैं 23.8, तो V2 वॉल्यूम कितना हो गया 23.8 ml। तो बस ये तो हमारी बैक टाइट्रेशन और ब्लैंक टाइट्रेशन की रीडिंग हमको पता चल गई। अब हमें ये बताना है कि आखिर ये सॉल्यूशन ब्लूइश ग्रीन से जो है वो वाइन रेड कैसे कन्वर्ट होगा। तो अब हमें बताना है कि ग्रीनिश ब्लू से वाइन रेड कलर कैसे चेंज हुआ। तो देखो जरा, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम H2SO4 से रिएक्ट करता है तो बनता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O और 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे बनती है। इक्वेशन को हम करेंगे बैलेंस, तो SO4 यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 करेंगे तो 4H2O करना होगा, तो ये इक्वेशन हमारे बैलेंस हो जाती है। अब ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो फेरस अमोनियम सल्फेट को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो है FAS फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। ये हमारा डबल सॉल्ट होता है, मतलब ये सॉल्ट अलग है, ये सॉल्ट अलग है, ये वाटर अलग है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट का जो FeSO4 है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, Fe2SO4 होल थ्राइस, मतलब Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन होता कैसे है, तो देखो जरा, जो हमारा FeSO4 है H2SO4 और नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2, तो ये 2 हो गया, इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। हमें यहाँ पे 3 नेसेंट ऑक्सीजन यूज करानी है, मतलब पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यही कर देते मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन से 3 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, जो एरो के लेफ्ट साइड राइट साइड जो कॉमन होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो K2Cr2O7 प्लस 6 FeSO4 प्लस 7 H2SO4, H2SO4 ऐड हो जाएंगे से बना K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 4H2, ये 3 और हैं तो ये हो जाएंगे 7, ठीक है, और बनेगा 3Fe2SO4 होल थ्राइस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जो FeSO4 है फेरस अमोनियम सल्फेट वो फेरिक अमोनियम सल्फेट में चेंज हो गया, मतलब प्लस 2 जो है वो प्लस 3 ऑक्सीडेशन में चेंज हो गया, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो जो प्लस 3 वाला कंपाउंड होता है वो हमारा रेडिस होता है, ठीक है ना, और ये हमारा FeSO4 जो प्लस 2 वाला कंपाउंड होता है आयरन का वो हमारा येलोइश होता है, ग्रीनिश येलो होता है, ठीक है ना, तो येलोइश ग्रीन जो है ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो होता ये है कि जब हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट का FeSO4 जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो वो रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपने सिल्वर सल्फेट क्यों लिया था और HgSO4 क्यों यूज किया,
तो होता ये है कि जो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो क्लोराइड सॉल्ट जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, अगर ये वाटर में प्रेजेंट है तो इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। अब अगर इनको ऑक्सीडाइज नहीं किया तो ये तो वाटर में रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि HgSO4 डाल देते हैं, तो क्या होता है ये NaCl के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है HgCl4SO4, और ये क्या होता है, ये PPT होता है। तो जो हमारा HgSO4 है ये क्लोराइड सॉल्ट से रिएक्ट करके HgCl4-2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो कि पीपीटी होता है। इस रिएक्शन को हम इस फॉर्म में लिख लिया। तो सिल्वर सल्फेट क्यों डाला, ये तो हमको पता चल गया कि जो क्लोराइड होते हैं वेस्ट वाटर में या डिस्टिल वाटर में उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है, और जो Hg2SO4 है, ये जो सिल्वर सल्फेट है, ये हम H2SO4 में डालते थे, 10 ग्राम डाला था हमने, याद करो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया था तो 10 ग्राम उसमें सिल्वर सल्फेट डाला हुआ था। तो सिल्वर सल्फेट जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि H2SO4 की रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे ये कैटलिटिक की तरह काम करता है ताकि ये रिएक्शन जो है वो आसानी से हो जाए। तो COD का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, V1-V2 इंटू नॉर्मैलिटी ऑफ FS सॉल्यूशन इंटू 8 × 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल यूज्ड। तो V1 ये हमारा ब्लैंक टाइट्रेशन का वॉल्यूम था जो कि 25.6 आया था, और V2 जो है वो हमारा बैक टाइट्रेशन का वॉल्यूम था FS का जो कि 23.8 आया था, इंटू नॉर्मेलिटी FAS की 0.025 थी इंटू 8 × 1000 अपॉन वॉल्यूम। हमने डिस्टिल वाटर या फिर वेस्ट वाटर का हमने 10 ml ही यूज किया था तो 10 है। तो ये आ गया आपका 360/10 मतलब 36 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट जो है वो मिलीग्राम पर लीटर है, जिसको कि आप ppm बोल सकते हो। तो ये 36 ppm ये हमारा COD आ गया सैंपल का। अब आपको हम ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला हमारा कहां से आया। तो जो हमारा FAS सॉल्यूशन है उसको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीडाइज होने के लिए, तो याद रखना इक्विवेलेंट हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ FAS सॉल्यूशन ये इक्वल होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, इसी को हम लॉफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो अब इक्विवेलेंट्स होते क्या हैं, तो याद रखना नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ये होता है हमारा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है और ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है, मतलब नॉर्मेलिटी वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है और वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का रेशियो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। तो अगर हमें FAS का 1 इक्विवेलेंट लेना है तो ऑक्सीजन का कितना इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर 1 इक्विवेलेंट FAS का लिया तो 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का उससे रिएक्ट करने वाला है, ये तय है, ये तो हमारा लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। तो 1 इक्विवेलेंट FAS का क्या होगा, जब इसकी नॉर्मेलिटी 1 हो और वॉल्यूम कितना हो 1000 ml मतलब 1 लीटर हो,
तो ग्राम इक्विवेलेंस क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वन नॉर्मल एंड 1000 ml FAS रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑक्सीजन, और वन इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, तो ऑक्सीजन तो O2 होती है तो इसका वेट तो 32 है, और हमें इक्विवेलेंट वेट बताना है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, दूसरे ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। तो 1 ग्राम जो है वो 1 इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया, 1 इक्विवेलेंट FAS हो गया रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका 1 इक्विवेलेंट इसके 1 इक्विवेलेंट से रिएक्ट कर दिया, ठीक है ना। देयरफॉर जो हमारा V1 माइनस V2 वॉल्यूम है ऑफ Y नॉर्मल FAS रिएक्ट करेगा कितने ग्राम ऑक्सीजन से, तो 8 अपॉन 1 इंटू 1000 इंटू Y इंटू V1 माइनस V2 ग्राम ऑक्सीजन से। अगर हमें ऑक्सीजन को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 8 अपॉन 1000 इंटू वाई इंटू V1 माइनस V2, ये तो हमारा ग्राम है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 8 इंटू वाई इंटू V1 माइनस V2 मिलीग्राम पर लीटर, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। इतना ऑक्सीजन जो है वो आया। अब देखो जरा, हमें वेस्ट वाटर की CO2 निकालनी है, तो हमने वेस्ट वाटर का कितना ml लिया था, 10 ml यूज किया था, तो इसको हम साफ कर देते हैं। तो अब देखो जरा, इतना मिलीग्राम ऑक्सीजन जो है हमें यूज करना है, ठीक है। तो अब जो हमने सैंपल लिया था वो कितना लिया था, 10 ml लिया था, तो हम लिखेंगे 10 ml वेस्ट वाटर नीडेड ऑक्सीजन फॉर डिकम्पोजिशन, कितनी ऑक्सीजन चाहिए उसको, 8 इंटू वाई इंटू V1 माइनस V2, इतना मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए। और CO2 हमें पता है कि वो हम 1 लीटर के लिए फाइंड करते हैं, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml वेस्ट वाटर के लिए हमें कितनी चाहिए, वेस्ट वाटर के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 8 इंटू वाई इंटू V1 माइनस V2 अपॉन 10 करना होगा इंटू 1000 करना होगा, ठीक है ना। तो बस हमारा फॉर्मूला जो है वो तैयार हो गया। देखो हमने क्या लिखा था, COD का फॉर्मूला हमने लिखा था V1 माइनस V2 लिखा था ना, फिर लिखा था इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ FAS, तो ये Y क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ FAS सॉल्यूशन है, इंटू 8 लिखा था तो 8 ये है, इंटू 1000 लिखा था तो 1000 ये है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, तो वॉल्यूम ऑफ सैंपल इन मिलीलीटर, तो ये है 10। तो बस ये हमारा फॉर्मूला ऐसे ड्राइव होता है। COD का ये वीडियो हमने फंडामेंटल केमिस्ट्री ऑफ JD ली सोलोमन्स फ्रायल एंड स्नाइडर की बुक से जो है वो बनाया गया है, ये उस वाल पब्लिकेशन ने प्रिंट किया हुआ है इस बुक को। ये बुक जो है वो CBSE JEE मेंस को टारगेट करती है, ये बुक CBSE एंड नीट को भी टारगेट करती है, तो CBSE नीट के वॉल्यूम अलग हैं, CBSE JEE मेंस के वॉल्यूम जो है वो अलग हैं। इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि इसमें डिटेल्स में थ्योरी दी गई है, कलर्ड बुक है हमारी, जिसके कारण इसकी विजिबिलिटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो हमको इस बुक में NCERT के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, इस बुक में JEE मेंस के सॉल्यूशन भी हमको मिल जाएंगे, कलर्ड बुक है, अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हो
तो ये बुक आप अमेजन से परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।